अब यहाँ पे हमें छोटा सा एक डिफरेंस समझना है कि भाई सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। टेंथ क्लास में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, बच्चों को लगता है कि भाई सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। छोटा सा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। पहले हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे प्राइम नंबर का पैटर्न हमें दिया गया है, तो ये हमारा सीक्वेंस हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल सीक्वेंस हुआ, आपने समझाया कि भाई प्राइम नंबर्स अगर हमें एक ऑर्डर में दिए गए हैं तो वो सीक्वेंस होंगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। आपको अगर ना राइट द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको इसका एक जर्नल टर्म लिखनी है। तो बेटा प्राइम नंबर, अगर मैं आपको बोलूं कि 20th, मुझे बताओ 20th प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप मुझे बता सकते हो? क्या आप इसकी जर्नल टर्म लिख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, प्राइम नंबर की जर्नल टर्म निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू भी उसको लिख सकते हैं और वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सीक्वेंस क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ भाई ये सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है ये? भाई प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है, यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का एक तरीके से यहाँ पे हमें सेट दिया गया, हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसकी जर्नल टर्म नहीं लिख सकते। तो सीक्वेंस में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। आप वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी लिख सकते हो, आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सीक्वेंस में। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। बट प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। प्रोग्रेशन में क्या होगा? प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? वो सभी सीक्वेंस जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी nth टर्म को, उसकी जर्नल टर्म को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ? वो सभी सीक्वेंस जिसकी हम जर्नल टर्म लिख सकते हैं उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अगर मैं ये बात करूँ, जो ये वाला सीक्वेंस आपको दिया गया इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वाले केस में आप इसकी जर्नल टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंस था, ठीक। इसको फटाफट एक बार छोटा सा हम इसको यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि बेटा आप भूल जाओगे जब 2 महीने बाद रिवाइज करोगे। तो सीक्वेंस कैसे लिख सकते हैं हम? सीक्वेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंट एज, कैसे? स्पेसिफिक फॉर्मूला, ठीक है ना, स्पेसिफिक फॉर्मूले के थ्रू भी, स्पेसिफिक फॉर्मूला और या फिर वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू। अब यहां पे प्रोग्रेशन में क्या लिख सकता हूं? दो सीक्वेंसेस which can be represent as mathematical formula. ठीक है, वो सभी सीक्वेंस जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको बताओ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू फाइंड जर्नल टर्म ऑफ प्राइम नंबर, is not possible, ठीक। therefore we can say
वी कैन से इट इज ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस तो है, इट इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन, क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? हाँ जी सर, अच्छे से एकदम क्लियर हुआ, नोट करो बेटा इसे, चलते हैं फिर आगे।